हाय हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले छत का वाटर प्रूफिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, ये आप टांचे का प्रयोग करके आप इसको खुदरा कर लीजिए। छन्नी से भी कर सकते हैं, हथौड़ी अपना यूज करके इसको खुदरा कर लीजिए, ताकि आपका जो आप प्लास्टर स्प्रे करवाएं ताकि वो मसाले अच्छी तरह से पकड़ सके। और इसको सफाई मतलब इसमें धूल करना होना चाहिए, ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह से पकड़ बनाने में सही नहीं के पपड़ी जैसा उसमें थराने लगता है और उसमें क्रिक्स आ जाते हैं, ताकि इसमें खुदरा रहे। और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करवाना चाहिए। और इसका मसाले का जो रेशियो होता है 4 बालू और 1 सीमेंट, 4 बालू 1 सीमेंट यानी 4:1 का रेशियो होना चाहिए। और बालू को सैंड भी बोलते हैं, सैंड या मोरंग जो मिल लीजिए। और बालू को मिक्स करके अच्छी तरह से चलनी में आप इसको चलवा दीजिए, ताकि इसमें जो मोटा मोटा कंकड़ रहेगा वो बाहर निकल जाता है और मसाला प्रॉपर तरह से मिक्स हो जाता है। जब मसाला मिक्स हो जाता है तो अच्छा रहता है। आप ये देख सकते हैं छत, ये छत पहले से ही वाटर लेवल लिया जा चुका है। आप देखिए उस पर आप मार्क कर दीजिए, वाटर प्रूफिंग वाला मार्कर रहे, ताकि उसका निशान मिटे ना, काम करने में आसानी होता है। और आप जैसा भी छत हो रूम के हिसाब से कम 1 इंच से 1 इंच तक आप ढलान दे दीजिए, उस पर पानी जो बारिश का होगा आसानी से निकल सके। और इसको आप अच्छी तरह से पानी से धुलाई करवाइए, पहले एकदम साफ तरह से। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से धुलाई हो रहा है, ताकि इसमें भी कोई मिट्टी धूल कण ना रहे, नहीं तो प्लास्टर के टाइम में दिक्कत होता है और बाद में दिक्कत होगा, बाद में पपड़ी बन के उभरने लगता है और दिक्कत होने लगता है। आप मसाले देख रहे हैं, आप भींग रहे हैं, मसाले को अच्छी तरह से प्रॉपर मिलवाइए, ताकि मसाले में आप बालू न दिखे, मसाला अच्छी तरह से मिला होना चाहिए। और देख सकते हैं आप पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें, जितना आपको ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। और मसाले को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करवाएं, फावड़े से कटिंग करवा के अच्छी तरह से मिक्स करवाएं, ताकि इसमें जो बालू है वो दिखे ना, नहीं तो उसमें जाके फिर जब प्लास्टर होता है तो उसमें दिक्कत होने लगता है, जहाँ बालू पड़ जाएगा वहाँ कमज़ोर रहता है मसाला और एयर लेने लगता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं छत पर पतला घोल डलवाइए, ताकि मसाला अच्छी तरह से पकड़ बना सके। घोल डाल लीजिए पूरा छत को, घोल डालने के बाद उसको झाड़ू से पूरा चारों तरफ से घस देना चाहिए, ताकि इसकी पकड़ अच्छी तरह से रहे, इसीलिए नीचे घोल डाल दिया जाता है। और इस छत पर देख सकते हैं इसमें झाड़ू पहले से जब ढलाई के टाइम में ही मार दिया जाता है। जो छत पर झाड़ू ना मारा हो तो उसमें टाँचा मारना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इसमें झाड़ू पहले से ही मारा जा चुका है, इसलिए इसमें टाँचे का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं तो जिसमें अगर बाई चांस छूट गया छत ढलाई करते वक्त तो आप उसमें टाँचा मरवा सकते हैं। और जब भी आप ये छत का प्लास्टर का देख सकते हैं, ये लाइन डोरी से आप टिक्की लगवा करवाएं, ताकि आपका जो फर्श एकदम लेबल और बराबर में हो, बराबर रहेगा, इससे दिक्कत नहीं होगा, मसाला भी सही लगेगा। अंदाज से करने पे दिक्कत होता है, और इसमें मसाले अच्छी तरह से बराबर एक साइड से होता है। ये धागे लाइन डोरी लगा के आप इसमें टिक्की ले जाता है, ताकि आप प्लास्टर करने में बराबर हो। देख सकते हैं ऐसे ही आपको, जो भी मिस्त्री भाई या कोई भी हो, आप ऐसे ही करवाएं। आप घर काम करवा रहे हैं तो आप मिस्त्री से बोल के ऐसे ही काम करवाएं, ताकि आप काम में जो है फिनिशिंग बराबर मिलता है। अब मसाले को ये छत जब बिछाते समय आप ये ध्यान रखें, नीचे का जो है ये घोल सूखे नहीं, एकदम एनी टाइम नमी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होने लगता है। मसाले को अच्छी तरह से, ज़्यादा सूखा मसाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाले में पकड़ नहीं होता है। आप देख सकते हैं मसाला गीला है, मसाला अच्छी तरह से पकड़ बनाता है, नहीं तो दिक्कत होने लगता है। और वाटर प्रूफिंग करने का टाइम सबसे बेस्ट ठंडी का मौसम में कराएं, अच्छा रहता है। ठंडी में, बारिश में, गर्मी में थोड़ा दिक्कत होता है। और इसका तराई भी प्रॉपर करना चाहिए, और मसाले को बिछाते समय एकदम बराबर मसाला बिछाएं। आप देख सकते हैं मसाला बिछ रहा है इसमें। और नीचे जो है छत का नमी नहीं सुनना चाहिए मसाला बिछाते समय।
आप देखेंगे बहुत से छत का फिनिशिंग का, तो उसमें पानी डाल के इधर उधर घुमा लेते हैं, ऊपर का सीमेंट धुल जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होना, तो वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत से मिस्त्री बिना लेवल लिए उसमें पानी डाल के ऐसे ही घुमाने लगते हैं। आप देख सकते हैं पूरा मसाला गीला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ऊपर पानी डालने का। आप जो उसमें लेवल लिया गया था जो टिक्की के हिसाब से, आप फंटी से आप उसको बराबर कर लीजिए और मसाले को आहिस्ता आहिस्ता आराम से काट दीजिए। देख सकते हैं ऐसे लेवल आप पूरा फंटी फर्श जो फ्लोर है इसका एकदम बराबर और लेवल में होता है, और ऐसे पानी डाल के इधर उधर हिलाने से बहुत जगह आप देखे होंगे वैसे होता है, तो बहुत सही सिस्टम नहीं है। हाँ, इसमें मसाला ये है कि सूखा ज़्यादा ना हो और ये ज़्यादा गीला भी नहीं, मीडियम क्वालिटी का मसाला होना चाहिए। देख सकते हैं मसाला ये, ताकि आसानी से मसाला कट सके। और इससे क्या होता है, इस फंटी से आपका लेवल एकदम बराबर होगा, कहीं भी फर्श में जर्किंग नहीं होता है और पानी आसानी से बरसात का रुकेगा नहीं, नहीं तो छत पे जम लगता है तो उसमें नीचे सीढ़न आ सकती है। इसलिए वाटरप्रूफिंग में कोई कंजूसी ना करें और अच्छे कारीगर से काम करवाएं। अगर किसी को और नॉलेज पूछना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कार्य अभी चल रहा है, इसमें मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से इसमें मसाले को करना चाहिए। ये पूरा फंटी अभी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो सैंड रेंडर होता है, जो मतलब आम भाषा में रूसा बोलते हैं लकड़ी का, उससे आप बराबर कर लेना चाहिए, ताकि जितना भी जो थोड़ा उबड़ खाबड़ गैपिंग होता है तो सही हो जाए। और देख सकते हैं ये घोल का मिक्सचर तैयार हो चुका है, घोल मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा घोल नहीं होना चाहिए इस पर छत के लिए, तो इसमें क्रिक्स आने लगते हैं। आप देख सकते हैं जो लकड़ी का रूसा है वो लेबलर लकड़ी का, उसे आप घोल डाल के आप ऐसे चढ़ा लीजिए। पहले एक लेयर देख सकते हैं ये ऐसे चढ़ा रहे हैं। आप ऐसे चढ़ा लेने से क्या होता है, पूरा जो प्रॉपर जो सीमेंट का घोल होता है वो उसमें आसानी से एकदम जो मसाला होता है उसमें पकड़ अच्छा से होता है। देख सकते हैं पकड़ उसमें अच्छा से होता है, तब जाके इसके ऊपर से आप प्लेन जो होता है स्क्रेपर, और उसको गुरमाला भी बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं, बहुत से हर जगह की भाषा अलग अलग है, आप उसको उसकी सहायता से आप उसका फिनिशिंग कर सकते हैं। पहले आप इस वाले से जो लकड़ी वाला होता है उससे आप ऐसे चढ़ा लीजिए फूल, इससे और बेस्ट और बढ़िया होता है, ताकि उसमें बाद में ऊपर से घोल छोड़े नहीं। आप देख सकते हैं ऐसे ही आप इसको पहले चढ़ा लीजिए, और ये कोशिश रहे कि अगर आप इसका फिनिशिंग कर रहे हैं तो आप इस पर चले नहीं ज़्यादा बार बार, ऐसा हो कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था करके दिखाएंगे इसमें, जैसे एक रूम का साइज है तो आप उसमें सीढ़ी लगा सकते हैं, उसी पे से लेके आप दो बार तीन बार इसका फिनिशिंग देंगे तो उतना ही बढ़िया और अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग हो रहा है, दो से तीन बार चार बार जितना भी आप करते हैं तो फिनिशिंग इसका एकदम पूरा अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, और जब भी आप ये हो जाए तो कम से कम 24 घंटे तक आप इसमें पानी ना डालें, उसके बाद आप इसमें पानी का भर के आप इसको तराई कर सकते हैं, ताकि आप 10 दिन तक कम से कम पानी डालिए इसको, नहीं तो इसमें क्रेक होने का चांस रहता है। तराई अच्छे, और ये ध्यान रहे कि गर्मी के दिनों में इस वाटर प्रूफिंग कराने से बचें। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी का प्रयोग हो रहा है, सीढ़ी लेवल का उस पर चलने से दाग बनता है और वो थोड़ा फिनिशिंग डिस्टर्ब होता है, आप थोड़ा उस पर लगा लीजिए, कोई बांस उस भी हो, बल्ली हो, कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि इस पर फिनिशिंग अच्छा है। आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग अच्छा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।